अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो आज हम सीखेंगे कि इमेजेस को हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी मोबाइल फ़ोन में। ये बहुत इजी प्रोसेस है। हमें अपने क्रोम को ओपन कर लेना है, अपने गूगल सर्च में जाके लिखना है आई लव पीडीएफ। ठीक है, ये नीचे ऑप्शन जो भी आ रहे हैं आप इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर डायरेक्ट आए हम लिखेंगे आई लव पीडीएफ। उसके बाद ऊपर ऊपर वेबसाइट आ जाएगी इनकी, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। और नीचे ये सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि हम दो पीडीएफ्स को मर्ज भी कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं, पीडीएफ को कंप्रेस फाइल भी कर सकते हैं, जिसको हम जिप जिप फाइल भी बोलते हैं। एंड हम पीडीएफ को वर्ड फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्ड फाइल को हम पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नीचे ऑप्शन ये पड़ा हुआ है इधर। तो हम पीडीएफ को पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, एक्सेल पॉइंट में भी कर सकते हैं। पर अभी हमें जो है ना इमेजेस को चेंज करना है पीडीएफ में, तो ये नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जेपीजी टू पीडीएफ। जेपीजी जो इमेज फाइल होती है उसको हम कहते हैं। इसको हम सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से जाके हम अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मेरे कुछ फाइल्स हैं, मैं इनको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं कर देता हूँ सेलेक्ट ऊपर से। तो ये सारे यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। अभी सिंपली अगर हमने कोई ऊपर नीचे करना है तो इसको होल्ड करके हम ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो अगर आपको नंबरिंग से सेट करना है तो उसके बाद हमें डायरेक्ट सिंपली ये जो कन्वर्ट टू पीडीएफ आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना है बस। ये कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा, जी आपका चेंज हो गया। अभी आप सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद ये आपका यहाँ पे आ गया और आपके फाइल में सेव हो गया। तो आप देख सकते हैं मेरे जो भी फाइल्स थे ये वो सारे इसमें पीडीएफ बन के आ गए हैं। थैंक यू सो मच।